गाजीपुर शहर में गुरुवार एक नई जगह से कोरोना संक्रमित मरीज मिला है, लेकिन एक राहत की बात ये रही कि एक ही नया मरीज मिला है। गुरुवार को गाजीपुर में महुआ बाग के पास ददरी घाट से कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया। ये कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आने की वजह से संक्रमण का शिकार हुए हैं। इससे पहले बुधवार को गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के एक साथ 22 नए मामले मिले थे। इस हिसाब से देखें तो राहत का संकेत है कि एक दिन बाद केवल एक मरीज मिला। अब तक गाजीपुर में कुल 8,631 सैंपल इकट्ठा किए जा चुके हैं। इनमें से 7,993 सैंपल के रिजल्ट आ चुके हैं। अब तक गाजीपुर में कोरोना के कुल 358 मामले मिल चुके हैं। अभी 436 सैंपलों के रिजल्ट पेंडिंग हैं। हालांकि एक्टिव मरीजों की बात करें तो ये संख्या 62 है। अब तक गाजीपुर में कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बुधवार को हुई एक मौत भी शामिल है। पूरे देश के साथ गाजीपुर में भी कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें और बिना मास्क के कहीं भी न जाएं। आप चाहें तो गमछे को भी मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सफाई का पूरा ख्याल रखें। एक ही गमछा बार बार इस्तेमाल न करें, सफाई के बाद ही दोबारा पहने। इस बीच आपको अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आयुष मंत्रालय की तरफ से सुझाए गए काढ़े का सेवन करें। गोल्डन मिल्क, जिसे हम देसी भाषा में हल्दी दूध के नाम से जानते हैं, उसका सेवन कर भी आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। अपना ख्याल रखें और किसी भी तरह की सांस की परेशानी या तेज बुखार की स्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।